दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले सभागृह छोटी उम्री में आयोजित सावित्री चीले गौरव पुरस्कार वितरण समारोह में प्राचार्य डॉक्टर संतोष हुशे और संजय निकस द्वारा लिखित महात्मा पुस्तक का विमोचन मातृशक्ति व प्रमुख अतिथियों के हाथों किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले के जीवन कार्यों पर लिखित ये पुस्तक है जिसकी सभी जगह प्रशंसा की जा रही है। अकोला जिले की बालापुर विधानसभा सीट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख की संपत्ति की जांच अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू कर दी है। इसके चलते एसीबी के अमरावती अपर पुलिस अधीक्षक अरुण सावंत ने विधायक देशमुख को आगामी 17 जनवरी को सुबह 11 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल लोनार सरोवर के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, इस बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व सरोवर के जल का रंग बदलने से आश्चर्य व्यक्त किया गया था। अब जल वृद्धि में हो रही लगातार वृद्धि से दर्शन स्थल के चारों ओर पानी दिख रहा है। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने प्रतिबंधित नायलन मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के अंतर्गत सोमवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें VHB कॉलोनी गोरक्षण रोड अकोला में छापेमारी के दौरान 35 किलो प्रतिबंधित नायलोन मांझा जब्त कर मांझा विक्रेता से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की ओर से जुलाई 2022 में आयोजित पूर्व उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा में अकोला के अथर्व महेश बाहेती ने अकोला जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अथर्व ने 86% अंक प्राप्त कर प्रथम मेरिट का सम्मान पाया है। अथर्व बाहेती निशु नर्सरी एवं कोठारी कॉन्वेंट में 6ठी कक्षा का छात्र है। अकोला विभाग के तहत अकोला वाशिम जिले के 9 डिपो का समावेश है। निगम की ओर से प्रत्येक डिपो को आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वेतन समेत अन्य खर्च की वसूली हो पाए। अकोला डिपो क्रमांक 2 ने दिसंबर माह में 37 बसों के माध्यम से 170 फेरियों से 1,50,21,498 रुपए का राजस्व हासिल किया है। शिवनी के राहुल नगर परिसर में एक ही इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। MIDC पुलिस स्टेशन की सीमा में ये घटना सोमवार दोपहर के समय घटी। गर्दन पर वार किए जाने के कारण व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। अकोला मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रामनगर क्षेत्र में पूर्वकालीन मौज उमरखेड के खेत सवे क्रमांक 5, 15 व 16 का लेआउट व उसके ओपन स्पेस की जगह गलत तरीके से दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रामनगर वासियों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आंदोलन किया। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय व इनरव्हील क्लब ऑफ क्वींस अकोला के संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाओ जनजागृति के लिए मैराथन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को आरोग्य विभाग के उपसंचालक डॉक्टर तरंग तुषार वारे व निवासी उपजिलाधिकारी संजय खटसे ने हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया। जिला परिषद के अंतर्गत सन 2021-22 आर्थिक वर्ष में जमा खर्च का वार्षिक लेखा जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत करने के काम में अकोला जिला परिषद राज्य में तीसरे स्थान पर है। ये जानकारी राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के जिला परिषद निधि की वेबसाइट पर दर्ज की गई है। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।